एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। जंतर मंतर पर देश के कई महिला पहलवान, पुरुष पहलवान धरना दे रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर। अब ये बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विमल का। विमल, FIR दर्ज हो गई है, क्या कुछ डिटेल है इस FIR में आपके पास? इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और 2 FIR की गई है। एक पॉक्सो और जो IPC के रेलिवेंट सेक्शन है उनमें FIR दर्ज की गई है, जबकि दूसरी FIR, क्योंकि इस मामले में अगर बात करें तो जो खिलाड़ी इस जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं उन्होंने बेहद सीरियस एलिगेशन लगाए थे, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे जो ब्रजभूषण शरण है उनके ऊपर। और उनका ये कहना है कि 7 लड़कियां हैं जिनके साथ यौन शोषण किया गया, जिसमें एक नाबालिग है। तो नाबालिग के मामले में दिल्ली पुलिस ने अलग से एक FIR की है, जबकि जो अन्य जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उनकी शिकायत के आधार पर जो उनकी शिकायत में जो पुलिस को उन्होंने शिकायत दी थी उसके आधार पर एक अलग से FIR की गई है। जो भी IPC के सेक्शन मंत्री और पुलिस का कहना है कि दोनों ही मामलों में, हालांकि पुलिस पहले से ही जांच कर रही थी, क्योंकि पुलिस ने पहले भी ये बात कही थी कि इस मामले में वो अपनी जांच शुरू कर चुके हैं, लेकिन मामला दर्ज ना होने के कारण लगातार जो खिलाड़ी है वो धरने पर बैठे हुए थे और इस बात को लेकर विरोध भी लगातार जता रहे थे। और सीधे उनकी एक ही बात थी कि आखिर जब पुलिस को शिकायत इतने दिन पहले की थे और सीधे उनकी एक ही बात थी कि आखिर जब पुलिस को शिकायत इतने दिन पहले की गई थी तो इस मामले में FIR में इतनी देरी क्यों हुई, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक तल्ख टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आरोप बेहद गंभीर हैं, तो इस संबंध में अभी तक दिल्ली पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो आज सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने कोर्ट में कहा कि आज दिल्ली पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर लेगी। और अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जानकारी दी है कि 2 FIR दर्ज की गई हैं। एक जो पोक्सो के सेक्शंस बनते हैं क्योंकि नाबालिग है पीड़िता जिसने आरोप लगाए हैं, और दूसरे जो अन्य लड़कियां हैं जिन्होंने, क्योंकि जो जानकारी आ रही थी कि 7 लड़कियों की के बारे में जानकारी आ रही थी कि 7 लड़कियां हैं जिन्होंने आरोप लगाए कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उनका यौन शोषण किया गया, इस तरह के गंभीर आरोप थे, जिसको लेकर जो दिल्ली का कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन है, देखिए ये कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन है जहाँ पर ये कंप्लेंट दी गई थी, और इसको लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि पुलिस ने आखिरकार इस मामले में FIR क्यों नहीं की। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वहां पर भी पुलिस को जवाब देना पड़ा और अब आखिरकार पुलिस ने इस संबंध में FIR दर्ज कर लिया, और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब शिकायत पुलिस को मिली तो पुलिस ने पहले ही दिन इस मामले में FIR क्यों नहीं की, जबकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी पहले से ही क्लियर गाइडलाइंस हैं कि खासकर जब पोक्सो का मामला होता है तो उस मामले में तुरंत ही सबसे पहले शिकायत के आधार पर ही मामला दर्ज किया जाना चाहिए, उसके बावजूद पुलिस ने यह देरी क्यों की, इसको लेकर जरूर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं जी। लेकिन विमल, एक सवाल जो पहलवान लगातार मांग उठा रहे थे कि ब्रजभूषण सिंह पे पहले से कई FIR दर्ज हैं, वो चाह रहे थे कि गिरफ्तारी हो जिन धाराओं में, जिस एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है, क्या यह संभावना है कि जल्द ही उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, गिरफ्तारी की संभावना है? देखिए, पुलिस इस मामले में क्योंकि पहले ही ये बात साफ कर चुकी है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगी, अगर पुलिस को लगता है कि इस मामले में गिरफ्तारी ज़रूरी, क्योंकि जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं, पोक्सो के तहत खासकर बात करें जिसमें, क्योंकि माइनर हैं तो उसके तहत जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं, उस मामले में पुलिस चाहे तो अरेस्टिंग भी कर सकती है अगर उसको ज़रूरत लगती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्योंकि अगर ज्वाइन होती है जो तमाम पुलिस को, अगर जाँच में तमाम सबूत मिलते हैं, जो आरोप हैं उनकी कहीं ना कहीं तस्दीक होती है, तो उसको लेकर पुलिस एक्शन भी ले सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो खिलाड़ी हैं वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ब्रजभूषण सिंह पर पहले भी कई मामले हैं, 40 के आसपास उनके खिलाफ मामले हैं, उनको आपराधिक प्रवृत्ति का वो बता रहे हैं, तो इस मामले में पुलिस पर जाहिर तौर पर प्रेशर तो बिल्कुल होगा इस बात का को लेकर के जब इस संबंध में 2 और फ्रेश FIR हुई हैं तो आखिरकार इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर सवाल फिर खड़े होंगे, क्योंकि मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए थे कि आखिर पुलिस मामला क्यों